दोस्तों क्या आप जानते हैं फैक्ट्री में BMW कैसे बनती है, और क्या आपको पता है BMW बनाने के लिए कैसे स्टील का इस्तेमाल किया जाता है, और क्या एक BMW को बनाने के लिए 6 महीने का वक्त लगता है, और क्यों BMW को इतनी सेफ कार्स माना जाता है, और क्या आप जानते हैं BMW को कैसे टेस्ट किया जाता है। दोस्तों इस कार को बनाने के लिए सबसे पहले शुरुआत होती है कुछ स्टील और एल्यूमिनियम के रोल्स की, जो काफी मजबूत और हैवी होते हैं। इन्हें पहले कट किया जाता है, फिर रोलर और हाई प्रेशर की मशीन से इन्हें प्रेस करके मोड़ा जाता है, ताकि कार के फ्रेम, डोर और रूफ का शेप दिया जा सके। BMW जिस टाइप की स्टील का यूज करता है वो बहुत ज्यादा मजबूत होने के साथ साथ काफी हल्की भी होती है, जिससे कार का वजन कम रहे, ताकि उसे तेज चलाया जा सके और सेफ्टी में जरा भी कॉम्प्रोमाइज ना हो। स्टील और एल्यूमिनियम के अलावा कुछ पार्ट्स हाई क्वालिटी की कार्बन फाइबर और कंपोजिट मटेरियल के भी बनाए जाते हैं। इन सब पार्ट्स को बनने के बाद इन्हें आपस में जोड़ने के लिए वेल्डिंग, ग्लोइंग और स्क्रीनिंग जैसे काम होते हैं, और हाँ, लेसर वेल्डिंग भी की जाती है, जो कि काफी एक्यूरेसी से कार के छोटे से छोटे पार्ट को आपस में कनेक्ट कर सकती है। इनमें से ज्यादातर काम रोबोट्स ही करते हैं, पर इन रोबोट्स को कंपनी के हाईली क्वालिफाइड एम्प्लॉई कंट्रोल करते हैं। इसमें की लगभग 95% काम रोबोट्स की मदद से किया जाता है। स्टील, एल्यूमिनियम और कार्बन फाइबर, इन सब को स्क्रीनिंग, बिल्डिंग और ग्लू जैसी चीजों से आपस में जोड़कर जो कार का फ्रेम तैयार होता है वो काफी रफ होता है, क्योंकि उसमें जगह जगह वेल्डिंग के निशान होते हैं और ग्रीस भी जमी होती है। दिखने में भी वो काफी अजीब होता है। तो अब काम होता है पेंट करने का। पेंट भी कार को केवल खूबसूरत दिखाने का काम नहीं करता, बल्कि अच्छे से वॉश करने के बाद जिंक फॉस्फेट की लेयर की कोटिंग की जाती है, ताकि लंबे समय तक कार को जंग लगने से बचाया जा सके। इसके बाद 4 लेयर की पेंट की कोटिंग होती है। कलर में इस बात का खास ख्याल रखा जाता है कि यूरोप की बर्फीली ठंड या मिडल ईस्ट की गर्मी, बारिश हो या नॉर्मल वेदर, कार की सेहत पर कोई भी फर्क ना पड़े। अब फ्रेम बन चुका है, पेंट भी हो चुका है, यानी अब वक्त है कार की फाइनल असेंबली का। इसे ये लोग वेल्डिंग कहते हैं, कार के फ्रेम की उसके इंजन के साथ वेल्डिंग। इसमें इंजन, ट्रांसमिशन, एग्जॉस्ट सिस्टम और कार के इंटीरियर को कार में फिट किया जाता है, पहियों को भी लगाया जाता है, और फिर कार को लगभग फाइनल कर दिया जाता है। कंप्लीट होने के बाद BMW की इन कार्स की काफी एक्सट्रीम तरीके से टेस्टिंग की जाती है, जिसके बाद ये कार डीलरशिप पर जाने के लिए रेडी हो जाती है। दोस्तों BMW की कार में 4 सिलेंडर इंजन का यूज किया जाता है। इस इंजन की पावर का अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि यही 4 सिलेंडर इंजन World War I के फाइटर प्लेन्स में कंपनी यूज करती थी, क्योंकि मैंने आपको भी बताया कि कंपनी की शुरुआत प्लेन इंजन बनाने के रूप में हुई थी। तो यही 4 सिलेंडर इंजन उस टाइम World War I के एरोप्लेन्स को बनाने में यूज किए जा रहे थे। हालांकि आज के इंजन पहले वाले इंजन से काफी ज्यादा इम्प्रूव भी हो चुके हैं, पर BMW को अपने इन 4 सिलेंडर इंजन पर इतना ज्यादा प्राउड है कि जर्मनी में इस कंपनी का जो मेन हेडक्वार्टर बना है, उस बिल्डिंग को उन्होंने अपने 4 सिलेंडर इंजन वाले शेप में ही डिजाइन करवाया है। ये कंपनी वर्ल्ड वॉर के टाइम एरोप्लेन इंजन बना रही थी, पर जर्मनी ने वर्ल्ड वॉर में जो किया वो तो दुनिया जानती है। इसके बाद भी जर्मनी हार गया था, तो इस देश पर बहुत सारे प्रतिबंध लगाए गए थे। उन्हीं में से एक ये भी था कि जर्मनी अब अपने देश में वॉर प्लेन नहीं बना सकता। इसीलिए 1945 में मजबूरी में BMW की वॉर प्लेन बनाना बंद करना पड़ा, और फिर इस कंपनी को सरवाइव करने के लिए किसी और बिजनेस में एंट्री लेनी पड़ी। तब इस कंपनी ने मोटरसाइकिल के बिजनेस को स्टार्ट किया। इसके बाद इन्होंने कार्स को बनाना भी शुरू कर दिया और दुनिया पर छा गई। आज भी BMW कंपनी एरोप्लेन के इंटीरियर को डिजाइन करती है और ट्रेन्स को भी। क्या आपको पता है हमारी सबसे शानदार कार्स में से रोल्स रॉयस की मालिक भी BMW ही है। इसके अलावा मिनी कूपर कंपनी की भी यही कंपनी मालिक है। पर एक वक्त था जब BMW काफी मुश्किल दौर से गुजर रही थी। कोल्ड वॉर के टाइम ये कंपनी कंगाली की कगार पर पहुंच गई थी, और तब आज मर्सिडीज बेंज और BMW एक दूसरे के सबसे बड़े कॉम्पिटिटर में से एक है। उस टाइम BMW इतनी ज्यादा गरीब हो गई थी कि मर्सिडीज बेंज की पेरेंट कंपनी ने BMW को खरीदने की कोशिश भी की थी, पर कॉम्पिटिटर होने की वजह से BMW के शेयर होल्डर्स और कंपनी का कोई भी एम्प्लॉय ये नहीं चाहता था कि BMW को मर्सिडीज ही खरीद ले। इसी वजह से इस कंपनी के सभी शेयर होल्डर्स ने और इसके सभी एम्प्लॉयज ने इस कंपनी के बहुत सारे शेयर्स को खरीदने स्टार्ट कर दिए, ताकि मर्सिडीज बेंज इस कंपनी को न खरीद सके। और फिर हर्बर्ट क्वान नाम के एक इंसान ने इसमें काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट किया और कंपनी को बर्बाद होने से बचा लिया। आगे चलकर BMW काफी ज्यादा सक्सेसफुल हो गई, और इसी वजह से
हर्बर्ट पार्टर भी काफी ज्यादा अमीर हो गए। हर्बर्ट की तो अब मौत हो चुकी है, पर इनके शेयर्स के मालिक अब इनका बेटा और बेटी है। इनकी बेटी जॉन क्वार्ट BMW की सेकंड बिगेस्ट शेयर होल्डर्स है और इसी वजह से उनकी नेटवर्थ $23 बिलियन से भी ज्यादा है और वो जर्मनी की सबसे अमीर महिला है और दुनिया की 68वीं सबसे अमीर इंसान भी है।